परम आदरणीय राहुल जी, मैं बहुत विनती करके बोलता हूं, आपको कई बातों का पता नहीं है संभवतः, और यह कोई व्यंग नहीं है, यह मेरा आपको सुझाव है। वीडियो कॉन के वेणुगोपाल दूत, रिलायंस के अनिल अंबानी जिन्हें आप मोदी जी का मित्र कहते हैं, वो सबसे अधिक घनिष्ठ मित्र आपके वित्त मंत्री चिदम्बरम के हैं, इसके ठोस सबूत मेरे पास हैं। आप जिस दिन चाहेंगे उस दिन आप सार्वजनिक कर दूंगा। और इसके अलावा भूषण स्टील के तमाम दीवान हाउसिंग के तमाम जो कारपोरेट जायंट हैं, उनको किस अवधि में रुपया दिया गया है कि अरबों खरबों रुपया एनपीए हो गया है। वेणुगोपाल धूत कौन सी विधा का इस्तेमाल करके चिदम्बरम जी को पटाते थे, वो बोलने में भी शर्म आती है, उसके भी सबूत मेरे पास है। और आप कुछ मत करिए राहुल जी, कृपया आप ये देखिए कि जो रुपये एनपीए हो गए हैं, जिसके लिए एनसीएलटी बनी है, जिसकी रिकवरी के लिए मोदी जी चिंतित हैं, वो तमाम राशियां किसके शासनकाल में, यूपीए 2 के शासनकाल में किस व्यक्ति के अधीन अंधाधुंध उन रुपयों को बांटा गया है। अगर वो रुपये पी चिदम्बरम के कार्यकाल में न बांटे गए हों तो एक श्वेत पत्र जारी करा दीजिए। अब बताइए मोदी जी क्या करें, आपके चिदम्बरम जो अभी सीबीआई को कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्होंने ये रुपया ऐसे बांटा है जैसे उनके बाप का माल हो, और जब एनपीए हो गया है वो दे दी है अब मोदी जी के हाथ में कमान। इकोनॉमी डूब रही है, लेकिन इस डूबती हुई इकोनॉमी के जड़ में एक ही आदमी है, श्वेत लुंगीधारी भ्रष्ट चिदम्बरम चिदम्बरम चिदम्बरम। चंद्रशेखर जी ने भी भारत के सोने को गिरवी रखा था, क्या सोने को गिरवी रख दें मोदी जी? वर्तमान परिस्थिति में या देश की आर्थिक हालत को और डूबने दें मोदी जी? वर्तमान स्थिति में सिवाय इसके कि जो साधन हमारे देश के आंतरिक व्यवस्था में उपलब्ध है, उस साधन से हम कड़े नियंत्रण के साथ ऐसे भ्रष्ट उद्योगपतियों को जो लिए हुए ऋण को अपना रेवेन्यू रिसीप समझकर, पिता का माल समझ करके खा जाते हैं या फिर विदेश भाग जाते हैं और वहां बस जाते हैं, उनको पकड़ पकड़ कर कौन ला रहा है? नीरव मोदी का आरोप आप लगा सकते हैं, पकड़ा गया। विजय माल्या का आरोप लगा सकते हैं, पकड़ा गया। आपने तो कहा था कि वहां पर पुलवामा में के बाद कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, अब पाकिस्तान मारदाई की स्ट्राइक हुई। अब हम अब कोई शौर्य का काम करें सबूत चाहिए, हम अगर शांति बहाल करें तो सबूत चाहिए, हम जिंदा हैं इसका भी सबूत चाहिए। इसलिए अस्पताल के सैया से मैं बोल रहा हूं कि मैं अमर सिंह अभी जिंदा हूं, नहीं तो उसका भी सबूत माना जाएगा कि अमर सिंह जिंदा है या मर गए, सबूत दो। तो इस तरह की राजनीति क्या वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभिषेक मनु सिंघवी जो आपके प्रखर वकील और प्रवक्ता है, जयराम रमेश जो आपके कोर ग्रुप के सदस्य, आपके इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक माने जाते थे, सबके सुर में एक बदलाव आया है। आप विश्लेषण करें, परिस्थिति से पलायन न करें, अनायास दोष न दे किसी को, और देश के एक महत्वपूर्ण विपक्षी नेता के रूप में सरकार का भी सहयोग करें। अच्छी बातें हो तो उसे अच्छा कहें, बुरी बातें हो तो बुरा कहें। अपने सारे राजनीतिक जीवन काल में मोदी जी के कार्यकाल की आर्थिक व्यवस्था के बारे में मैंने भी एक निषेधात्मक टिप्पणी की थी, हमारा किसी ने बुरा नहीं माना, बल्कि सरकार ने दो दिन बाद नीति आयोग ने भी ये माना कि आर्थिक स्थिति खराब है। मोदी जी एक ऐसे नेता है, जीएसटी में गड़बड़ हुई सुनते हैं तो सुधार लेते हैं, ठीक है नहीं रहते अड़े नहीं रहते, आर्थिक व्यवस्था खराब है तो तुरंत कदम उठाते हैं, ठीक है नहीं रहते अड़े नहीं रहते, जिद्दी नहीं है, लचीले हैं, फ्लेक्सीबल हैं, और राष्ट्र का भला कैसे हो इसके बारे में बराबर सोचते हैं, और जरूरत होती है तो परिवर्तन करने के लिए तत्पर रहते हैं।